दोस्तों आदाब, पसमंजर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वजात बुखारी और आज अड़ाई एरिया के लोगों ने आज पहुंचकर रुख किया। वहीं जिला तरक्याती कमिश्नर पहुंच के दफ्तर में पहुंचे और उन लोगों की आज ये डिमांड थी कि उनके एरिया के जो एक सड़क बनाई जा रही है वो इस वक्त उन्हें पता ही नहीं है कि कौन सा डिपार्टमेंट बना रहा है। सवाल नंबर दो जो उन्होंने एक बड़ा सवाल किया कि उनके एरिया के जितने भी जो वर्क्स हैं अगर 14FC की बात की जाए तो उनकी जो रिकमेंडेशन होती है ग्राम सभा की उसके बगैर किए जाते हैं और जो बरसरे इक्तदार लोग हैं वो अपने असर रसूख के साथ इसका फायदा ले रहे हैं। आइए आपको बताते हैं इस हवाले से कि और क्या संगीन इल्जाम इन लोगों ने लगाए। जी आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद असलम मलिक, एक्स नायब सरपंच। हमें ये बताइए क्या है आपकी प्रॉब्लम जिस वजह से आप यहाँ पे आए? यहाँ आज तीनों पंचायतों का यहाँ पे वफ्त आया हमारा, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब से मुलाकात करने आए। हम ये चाह रहे हैं कि जो यहाँ पे अड़ाई गांव के साथ ज़्यादती हो रही है, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि अड़ाई गांव के अड़ाई की रोड जो एक दो साल कबल बह गई थी उसका अभी तक किसी ने काम वहाँ तक नहीं लगवाया। जो अपनी मन मर्जी से जो अपनी बरादरी जो अपने भाईचारे के साथ सियासी तौर पर जो है रोडें निकल रही हैं, ना उसका कोई टेंडरिंग होता है, ना कोई मन मर्जी से लोगों की ज़मीनें उखेड़ी जा रही हैं। तो जहाँ ज़रूरत है, जैसे अड़ाई मलका है, तकरीबन 8 साल की आबादी है लेकिन कोई रोड का नाम नहीं है। क्यों? वहाँ बरादरी नहीं है, यहाँ पे बरादरी और सियासी तौर पे जो है रोडें निकाली जा रही हैं, हम उसके खिलाफ भी आए। जैसे कि यहाँ पे 14FC प्लान की हम अगर बात करें, 14FC प्लान जो है 3 साल से इसी तरह जो है सियासी तौर पे ड्यू लेटर लगा के वहाँ दिया जाता है लोगों को, अपने वर्करों को दिया जाता है, क्योंकि वो जो है प्लान जो ग्राम सभा बनाई जाती है उसको वहीं पे जो है रखा जाता है। इसी हिसाब से हम आए हैं कि लोगों के साथ ज्यादती हो रही है और वो इंडिविजुअल काम आपने रख के काम कर। आपने बड़ी बात की, ये जो 14FC है ये ग्राम सभा के बगैर हो ही नहीं सकता, तो क्या आप लोग जो रेजोल्यूशन देते हैं ग्राम सभा के, क्या वो किसी ने उसमें अमेंडमेंट की या आपने दिया नहीं? नहीं सर, हमने ग्राम सभा बनाया, ग्राम सभा देते हैं, लेकिन ग्राम सभा जो रेजोल्यूशन कार्रवाई रजिस्टर है वो कार्रवाई रजिस्टर ही में महदूद रह जाता है। उसके अलावा जो ऑफिस के अंदर ड्यू लेटर आते हैं वो अपने पर्सनल वर्करों को। ये कौन से एरिया की आप बात कर रहे हैं? जैसे अड़ाई मलका में भी पिछले साल हमने तो काफ़ी अपोजिशन के साथ जोर दिया, जो ग्राम सभा की थी हमने करवाए, लेकिन हमारा 1 लाख का काम था जो उस वक्त भी हम कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ग्राउंड पर उतारा नहीं, अपने वर्कर को दिया गया था और ना ही ग्राउंड पर इस वक्त भी मौजूद है। हैसियत सोशल वर्कर मेरा ये मानना है कि हमारा तीनों पंचायत का जो वफद है वो यहाँ पर आज ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहब पहुँच से मिलेगा और इसके अलावा जो अफिसरान हैं ज़िला के तमाम अफिसरों से मिलकर गांव अड़ाई के जो मुतालबात हैं वो उनके नोट्स में लाए जाएंगे। इस तरह तो हमारी आवाज़ दिल्ली तक है लेकिन हमारा होता कुछ नहीं है, ये बदकिस्मती की बात है। आप ये जानते हैं कि गांव अड़ाई की रोड जो है वो 2 साल पहले बादल फटने की वजह से बह गई। अगर यही रोड किसी और जगह पर होती तो न जाने कितने करोड़ों रुपये का ऐलान हो जाता। बदकिस्मती है कि उस रोड को अभी तक मुकम्मल ना किया गया, ना ही ठीक की गई, कभी भी कोई हादसा जो है वो रोनबा हो सकता है। हमारी गुजारिश पे जो है ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ तारिक अहमद जरगर साहब 3 बार वहाँ गए हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त बिल्कुल ख्वाब में सोई है। उनको ये ख्याल नहीं कि गाँव अड़ाई के लोग किस किस मजबूरी में मुबतला हैं। इसी तरह आज हमारा वफद जो है वो तमाम अफिसरों से मिलेगा रोड के मुतालिक, और 14FC का मसला है कि लोगों के जो है राया लेकर वहाँ पर पैसा खर्च किया जाए, ग्राउंड पे खर्च किया जाए, ना कि कुछ लोगों को महदूद कुछ लोगों को दिया जाए। इसी तरह हमारा PHC का मसला है सबसे बड़ा गांव में, आज 4-5 साल से कोई भी पाइप गांव अड़ाई में तीनों पंचायत में नहीं लगी। PHC वाले ये कहते हैं कि स्कीम ख़त्म हो गई, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इतनी बड़ी आबादी में हमारे लिए सभी स्कीमें कैसे ख़त्म हो गई। और हमने ये तय किया है कि आज हम पूरी इंतज़ामिया को मिलकर और आइंदा 10-15 दिन में एक राय अमल बना के हम जल्द जो है वो ज़िला तरक्याती कमिश्नर तारिक अहमद जरगर के ऑफिस के बाहर एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है भूख हड़ताल पे बैठेंगे, जिससे हमें गवर्नमेंट को ये मैसेज देना है कि हमारे मुतालबात हमारे साथ जुल्म है, जिसकी वजह से हम जो है वो ये रास्ता इख्तियार करेंगे कि हम एहतजाज पर पूरी आवाम जो है वो अड़ाई की यहाँ पर बैठ। हमारे यहाँ ये मुसीबत है जो पहले मेरे से बयान हो गई, तो यही मुसीबत है कि 14FC का जो पैसा आता है एक जगह निर्गा में एक काम बना था उसी को मोड़ मोड़ के वही दिखाते हैं। हवाले से जब हमने पूरी जानकारी जानना चाही डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर के दफ्तर से, और उस वक्त वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन जिस तरीके के इल्ज़ाम हैं इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए और कम से कम जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और DPO पुंछ हैं वो इस मामले को देखें कि किस जगह पे जो है वो कोताही हो रही है।